हेलो। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो SBI का जो इंटरव्यू का प्रोसेस है उसके अंदर में दो पार्ट जो आते हैं, एक GD का और PI का पार्ट। हालांकि बोलचाल की भाषा में उसको हम GD बोलते हैं, पर जब आप जाओगे एग्जामिनेशन में तो वहाँ पे ग्रुप एक्सरसाइज ग्रुप में कहा जाता है। दो हिस्से हैं उसके, एक अपना जो पार्ट बनता है वो GD का पार्ट होता है प्रॉपर, एक दूसरा एक प्रैक्टिशन का पार्ट होता है। तो आज हम प्रैक्टिशन के पार्ट को यहाँ पर कवर अप करेंगे कि देखेंगे कि किस तरह से प्रोसेस किया जाता है, ताकि जब हम रियलिटी में एग्जामिनेशन में बैठे तो वहाँ पे कुछ ऐसा ना हो कि ये क्या आ गया देखने को। ठीक है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंटरव्यू में जा रहे हैं जिनको जानकारी नहीं कि वहाँ कुछ ऐसा भी होगा, वो केवल GD के लिए प्रिपरेशन करके जा रहे हैं। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से बहुत आसानी से 10 नंबर फेच कर सकते हो। यहाँ पर बस हमने यहाँ पर कोशिश की है कि एक दो एग्जाम्पल लेकर के समझेंगे कि ये है क्या पूरा और कैसे वहाँ पर काम करना है। तो GE का जो प्रोसेस है 20 मार्क्स का, इसमें 10 मार्क्स GD के होंगे, ग्रुप डिस्कशन का होगा, और प्रैक्टिशन का 10 मार्क्स होगा। दोनों के लिए 10 10 मिनट मिलेंगे, हालांकि आपको प्रिपरेशन के लिए भी 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा, पर परफॉर्म करने के लिए भी प्रॉपर 10 मिनट मिलेंगे। तो काफ़ी कम समय है, इसमें स्मार्टली कैसे करना वो देखते हैं। प्रोसेस है क्या ये चीज़, और मेथड ऑफ एनालिसिस, एनालाइजिंग एनालाइज एनीथिंग, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टुवर्ड एनी इशू, टारगेटेड गोल्स। और सिंपल में क्या है ना कि जैसे आपको कोई भी काम दिया जाता है ना, तो आप क्या करते हो उसमें कुछ फीचर्स निकालते हो कि ये क्या है, उसके हिसाब से फिर आप अपने हिसाब से सुटेबल कंडीशन आप क्या करते हो बनाते हो, सुटेबल कंडीशन बनाओगे कि किस तरीके से इस काम को करना है। जैसे आप सीधी आपसे बात किया, जब एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को आप आए थे, SBI का हो चाहे IBPS का हो चाहे जो भी बैंकिंग एग्जामिनेशन हो, तो आपके भी मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि किस तरीके से इसको किया जाए, पर आपने अपने लिए कुछ प्रायोरिटीज़ बनाई होंगी। पहले मैं ये करूँगा, तो पहले प्रायोरिटी हो सकती है पहले नॉलेज गेन करो, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करो। कुछ लोगों की प्रायोरिटी पहले एक एग्जामिनेशन दो, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो प्रिपरेशन एग्जामिनेशन से शुरू करते हैं कि पहले एक एग्ज़ाम दो, ये क्या है, मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। कुछ लोगों का होता होगा कि जो फ्रेंड एंड फैमिली से पूछते होंगे सजेशन। तो हर आदमी का अपना क्या होता है, एक प्रायोरिटी होता है कि उसके हिसाब से ये काम ऐसे करना सही होगा। तो यहाँ भी वही चीज़ है कि आपके सामने कोई भी नया टास्क, नया चैलेंज या कुछ भी आए, तो आप उसको कैसे अरेंज करोगे, और आपके लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा, या आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होगा, फिर क्या क्या स्टेप्स आपके लिए आएंगे। ये बहुत चीज़ों में एप्लीकेबल है, पर ये एक आप जब एक ऑफिसर बन जाओगे ना, उसके अंदर की बहुत अच्छी क्वालिटी बाहर निकाल के लेकर के आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमको अरेंज करना है एट्रीब्यूट्स ऑफ मॉडर्न स्मार्ट एंड प्रॉस्पेरस सिटी। जैसे कि आप स्मार्ट सिटीज़ के बारे में जान रहे हैं ना, 100 स्मार्ट सिटी बनाई गई थी, तो उसका भी क्या आयाम है आपके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू यू इन मॉडर्न स्मार्ट सिटीज़ में क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, सबसे ऊपर क्या होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे एक चीज़, ये चीज़ ना हर व्यक्ति के लिए वैरी करेगा, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपकी जो राय हो वो सामने वाले की भी राय हो, लेकिन जब आप ग्रुप एक्सरसाइज में जाओगे, जब प्रायोरिटेशन में आओगे, तो यही चीज़ आपको प्रूफ करना है। सपोज फॉर अ केस, इस सेट वन में हम अरेंज करने की कोशिश करते हैं। देखिए हर आदमी अपने हिसाब से वेरी करेगा। हाँ, एक चीज़ क्या कि आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, चार सेट है इसके अंदर में, आप कोशिश करिए कि चारों को अरेंज करके आप आंसर्स लिखिए, ठीक है। और होगा क्या कि आप जो भी लोग और कमेंट करेंगे, आंसर्स लिखेंगे, आप उनसे मैच करने की कोशिश करिए कि भाई मेरा विचार किन से मिलता है, अगर मिलता है तो क्या आप सपोर्ट में। देखो प्रैक्टिस ग्रुप में आप इसको लेके चलो कि किस तरीके से हम इसको प्रैक्टिस कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर भी आपको यही करना होगा कि अगर सपोज आपने चुना है कि आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मान लो कि बेटा एजुकेशन है, आपने चुना कि मेरे लिए स्मार्ट सिटी में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ रखती है वो बेटा एजुकेशन है, आपने बोला मेरे लिए पहले प्रायोरिटी है। दूसरी प्रायोरिटी मान लीजिए आप रख देते हैं चलो कि बिजनेस, अब मान लेते हैं सपोज कुछ भी हम लेके चल रहे हैं, हर आदमी के लिए वैरी करेगा कि हाँ शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, एजुकेशन है, बिजनेस आपके मतलब रोजगार भी होना चाहिए, शिक्षा लेने के बाद में जॉब अपॉर्चुनिटी भी बराबर हो सके। तीसरे नंबर पर रख देते हैं चलो इंडस्ट्रीज। देखो इकोनॉमिक बिजनेस सब एक अलग बात होती है, इंडस्ट्रीज होना एक अलग बात होती है, ठीक है। तो आप तीसरे नंबर पर मान लो आप रखते हो इंडस्ट्रीज हो, फिर मान लो चौथे नंबर पर आप कहते हो मेरे लिए ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, पाँचवें पर आप बोलो कि हेल्थ केयर हो, छठे पे आपने इको फ्रेंडली। हाँ पेपर में आपको वहाँ पे हो सकता है 10 ऑप्शन दिया जाए, 10 ही ऑप्शन दिए थे पिछले बार, इस बार भी 10 ऑप्शन देंगे शायद, पर हमने यहाँ पे 6 ही लेके चला है, और भी कुछ भी ऐड कर सकते हैं। देखो हर आदमी के लिए ये चीज़ वैरी करेगा, हो सकता है किसी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्मार्ट सिटी के लिए हो सकता है उन्होंने बोला हो कि मेरे लिए इकोनॉमिक या बिजनेस सब हो, क्योंकि वहाँ पे अगर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज होगी, जॉब की अपॉर्चुनिटीज होगी, तो अपने आप बाकी जो चीज़ें हैं वो बन के चली जाएंगी।
हमने 6 नंबर पे इको फ्रेंडलीनेस रैंक, कोई आदमी इसको सबसे पहले पर, बस आपको क्या करना है, आपको जस्टिफाई करना अपनी चीज़ों को कि मैंने अगर बेटर एजुकेशन को पहले नंबर पे लिया है तो क्यों लिया है। हो सकता है 3-4 लोग आपसे सहमत हो तो बस आपको वहाँ पे ऊपर के मार्क्स मिल जाएंगे, आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रायोरिटाइजेशन के पार्ट में अगर हम समरी वाइज देखें क्या करना है, तो आपको जो दिए हुए एंटिटीज़ होंगे उसमें से आपके हिसाब से जो सूटेबल होगा सबसे ऊपर आप क्या करोगे, या आपके लिए क्वालिटी क्या अच्छी रखती है, या इन जैसे हम एग्जांपल में ही देखें कि एक स्मार्ट सिटी में आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ की आवश्यकता है। तो मेरे हिसाब से भी बेटर एजुकेशन की आवश्यकता है, मेरे हिसाब से पहला ऑप्शन है कि बेटर एजुकेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर हर आदमी एजुकेटेड होगा तो ये बाकी चीज़ें दिख रहे हैं ना, जैसे बेटर हेल्थ केयर, इकोनॉमिक हब अपने आप बनता चला जाएगा, ये ऑटोमेटिक है। ठीक है, अगर इकोनॉमिक हब है तो भी शायद वाइस वर्सा एक बेटर एजुकेशन का माहौल बन सकता है, क्योंकि अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज है तो लोग चाहेंगे कि मैं पढ़ूँ और पढ़ करके उस जॉब को ग्रैस्प करूँ, तो दोनों एक दूसरे को फुलफिल करते हैं। लेकिन फॉर मी फर्स्ट स्टेप शुड बी इट शुड हैव बेटर एजुकेशन, तभी आप जा करके सोसाइटी भी अच्छी बन पाएगी, लोग सोशली कल्चर्ड भी होंगे, चीज़ों को उनको देखने का तरीका अच्छा होगा, गवर्नमेंट के प्रति भी वो ज़्यादा एक तरीके से कहीं जागरूक रहेंगे, चीज़ों पूछ सकते हैं। आप देखते हैं जो अनएजुकेटेड पीपल होते हैं वो कितने डरते हैं, जैसे बैंक में आप अगर जाते आते होंगे, आप एज ए एजुकेटेड पर्सन आप उतना भी नहीं घबराते होंगे कि मैं से कहीं कुछ गलती हो जाएगी, कुछ मेरे पैसे इधर चले जाएंगे उधर चले जाएंगे। लेकिन आप जब देखोगे एक अनएजुकेटेड पीपल या गरीब व्यक्ति जब आता है जो मजदूरी वगैरह, वो बहुत बहुत चिंतित होता है कि मैं बैंक में पैसे लेकर के आया हूँ कहीं दूसरे खाते में चले गए या ये चले गए। तो इस तरीके जो चीज़ें होती है वो कहीं ना कहीं एक बेसिक अच्छी एजुकेशन से पूरी की जा सकती है। तो अगर एक शहर होगा जहाँ पर एजुकेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी होगी, तो शायद उसके रिजल्ट में ये सारी चीज़ें जो हम नीचे दिख रहे हैं वो दिख जाए अपने आप, इको फ्रेंडलीनेस में होगा उनमें, एजुकेटेड होंगे। तो आपको बस इस तरीके से अपनी चीज़ों को जस्टिफाई करना है कि अगर हमने चुना है बेटर एजुकेशन तो क्यों चुना है, या हमने चुना है इकोनॉमिक बिजनेस हब तो क्यों चुना है, अगर हमने सुना है ट्रांसपोर्टेशन को तो क्यों क्यों चुना है। क्योंकि जैसे एज फॉर एग्जाम्पल हिस्टोरिक एग्जाम्पल अगर लें तो जो शहर शुरुआती दौर पर रोड्स वगैरह के किनारे थे आज बहुत ऊपर चली गई, जैसे दिल्ली वगैरह, ये ग्रैंड ट्रंक रोड जो हम बात करते हैं जो शायद 500-600 साल से हमारे बीच है, ये दिल्ली इसका एक मेजर पॉइंट हुआ करता था। ठीक है, तो दिल्ली जब बिजनेस से बहुत पहले बन गया तो वो उस समय का तो स्मार्ट सिटी जरूर रहा होगा, तो हर आदमी के हिसाब से आंसर अलग रहा होगा। तो यहाँ पे हमने चार दूसरा सेट आपके लिए है, ये आप इसको प्रैक्टिस के रूप में आप इसको प्रायोरिटाइज करके आप सॉल्यूशन नीचे लिखो, और जाहिर सी बात है जितने भी लोग इसको सुन रहे हैं मैं जरूर कहूँगा कि आप आंसर्स को लिखो सेट 1 सेट 2 करके, और दूसरे जो लोग कमेंट करेंगे आप उनसे मैच करो कि उनकी प्रायोरिटी क्या है, और हो सके तो आप ज़रा 1 पॉइंट 2 पॉइंट उसको जस्टिफाई करने के लिए कि आपने क्यों इसको चुना है। प्रायोरिटाइज देन दी सॉल्यूशन फॉर रिड्यूसिंग दी पॉल्यूशन, तो पॉल्यूशन को कम करने के लिए आप क्या क्या आपके हिसाब से पॉइंट होनी चाहिए, क्या आप चूज करो सबसे ऊपर क्या चूज़ करोगे, आप अ गुड मैनेजर शुड हैव फॉलोइंग स्किल्स, इसमें से आप क्या चूज़ करोगे, 1 2 3 4 में आप इसको अरेंज करना कि मेरे लिए सबसे पहले ये चीज़ हो सकती है। सेट 4 में की एस्पेक्ट्स वाइल लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब, जब आप नई जॉब के लिए देखते हो, ये हो सकता है आपसे एग्जामिनेशन में पूछ दिया जाए, इंटरव्यू में पूछ दिया जाए। तो आप इस चीज़ को रखोगे ना इस तरीके से कि आपके लिए जब आप इंटरव्यू में, मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप स्टेट बैंक में एज ए PO क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तो हर आदमी का एक आंसर होगा। सपोज किसी का आंसर हो सकता है कि बेटा करियर ग्रोथ बहुत अच्छी करियर ग्रोथ देता है, दूसरा व्यक्ति करियर ग्रोथ बोले नहीं वो बोल सके वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, मेरे को बैंकिंग सेक्टर बहुत पसंद है, तीसरा व्यक्ति बोल सकता है मुझे इस सेक्टर में इंटरेस्ट है, जाहिर सी बात है। एक व्यक्ति बोल सकता है अगर वो दूसरी किसी बैंक में इंप्लॉयड है वो बोलेगा स्टेट बैंक बड़ी ब्रांड वैल्यू है, मैं उसमें उसके साथ जुड़ना चाहता हूँ, एक ज़्यादा एक रिकॉग्निशन चाहिए मुझे सोसाइटी में, कुछ लोग सैलरी के लिए आएंगे, कुछ लोग जॉब सिक्योरिटी के लिए आएंगे। तो देखो क्या है ना कि हर आदमी के हिसाब से इस जॉब का, स्टेट बैंक के जॉब का भी महत्व अलग अलग है, तो हर आदमी अपने प्रायोरिटी में सेट करेंगे, तो उसी तरीके से अपने को यहाँ भी प्रायोरिटाइज करना है चीज़ को। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, आप होपफुली आपको समझ आया होगा, कुछ क्वेरीज होंगी तो ज़रूर कमेंट करिएगा, धन्यवाद।